ओ शांति। आज 15 15 अगस्त अगस्त 2021 2021 आज आज की की अव्यक्त अव्यक्त मुरली मुरली रंगीन रंगीन बड़े 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 अक्षरों अक्षरों में में पढ़े पढ़े सुने सुने और और मंथन मंथन करें। करें। आज आज मुरली मुरली रिवाइज रिवाइज हो हो रही रही है, है, जो जो बाबा बाबा ने ने 3 3 मार्च मार्च 1988 1988 को को सुनाई सुनाई थी। थी। और और होली होली का का समय समय है, है, आज आज होली मुरली का का विषय विषय है है होली होली कैसे कैसे मनाए मनाए तथा तथा सदा सदा काल काल का का परिवर्तन परिवर्तन कैसे, कैसे हो। परमानेंट परमानेंट चेंज। चेंज, अभी अभी बात बात सुनी सुनी नहीं नहीं करनी करनी चाहिए, चाहिए, हमने हमने समझा समझा दिया दिया और फिर फिर कर कर लिया, लिया। फिर फिर सत्संग सत्संग सुना, सुना, फिर फिर बाबा बाबा की की क्लास क्लास में में आए, आए, बाबा बाबा से से सुना, सुना, फिर फिर चेंज चेंज किया, किया, फिर फिर कर कर दिया। दिया। होली होली कैसे कैसे मनाए मनाए तथा तथा परमानेंट परमानेंट चेंज चेंज कैसे कैसे करें। करें। होली होली मार्च है मार्च है ना, ना, 3 मार्च मार्च होली होली है, है, तो तो आज आज होली होली पर पर बाबा बाबा हमें समझा समझा रहे रहे हैं। हैं। आज आज सर्व सर्व के के भाग्य भाग्य विधाता विधाता बाप बाप अपने अपने होली होली हंसों हंसों से से ज्ञान ज्ञान रत्नों रत्नों की की होली होली मनाने मनाने आए। आए। मनाना मनाना अर्थात अर्थात मिलन मिलन मनाना, मनाना, होली होली मनाना मनाना माना माना मिलन मिलन मनाना, मनाना। रंग रंग लगाते लगाते हैं हैं तो गले गले मिलते मिलते हैं, हैं, रिश्ते के रिश्ते के साथ हिसाब बाप से बाप दादा दादा हर हर एक एक अति अति स्नेही स्नेही सहज सहज योगी योगी सदा सदा बाप बाप के के कार्य कार्य में में सहयोगी, सहयोगी सदा सदा पावन पावन वृत्ति वृत्ति से से पावन पावन दृष्टि दृष्टि से से सृष्टि सृष्टि को को परिवर्तन परिवर्तन करने करने वाले वाले सर्व सर्व होली होली बच्चों बच्चों को को देख देख सदा सदा हर्षित हर्षित होते होते सदा सदा हर्षित हर्षित होते। होते, मतलब पवित्र पवित्र दृष्टि दृष्टि से चेंज चेंज करने करने वाले वाले कैसे कैसे हैं। हैं। पावन पावन वृत्ति वृत्ति पावन पावन दृष्टि दृष्टि से से क्या क्या करने करने वाले वाले, सबको सबको पावन पावन बनाने बनाने वाले। वाले। पावन पावन तो तो आजकल आजकल के के गाए गाए हुए हुए महात्माएं महात्माएं भी भी बन बन गए, गए, जिनको जिनको आजकल आजकल महात्मा महात्मा कहते कहते हैं, हैं, वो वो भी भी अपने अपने आप आप में में पावन पावन बनते बनते हैं। हैं। लेकिन लेकिन आप आप श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं आत्माएं हाईएस्ट हाईएस्ट होली होली बनते, बनते, सबसे सबसे ऊंच ऊंच पवित्र पवित्र बनते, बनते हैं। उनकी उनकी पवित्रता पवित्रता में में और और आपकी आपकी पवित्रता पवित्रता में में क्या क्या फर्क फर्क है। है। वो जंगल में जाके पवित्र रहते हैं, आजकल आजकल तो तो जंगल जंगल में में नहीं नहीं रहते, रहते सारे हैं, सारे शहर शहर में में आ आ जाते जाते हैं। हैं। आप आप श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं आत्माएं हाईएस्ट हाईएस्ट होली होली बनते बनते हैं, हो, अर्थात अर्थात संकल्प संकल्प मात्र मात्र स्वप्न स्वप्न मात्र मात्र भी भी अपवित्रता अपवित्रता वृत्ति वृत्ति को को दृष्टि दृष्टि को को पावन पावन सिद्धि सिद्धि से से नीचे नीचे नहीं नहीं ला ला सकते। सकते। मतलब मतलब आपकी आपकी वृत्ति वृत्ति को को आपकी आपकी स्थिति स्थिति को को जरा जरा भी भी नीचे नीचे अर्थात अर्थात स्मृति स्मृति पावन पावन होने होने के के कारण, कारण स्मृति पावन है। स्मृति स्मृति पावन पावन क्या क्या होता होता है, है, स्मृति
स्मृति में पावन होना माना मैं आत्मा। ये स्मृति है तब बाकी सब पवित्र होगा। यदि जरा भी स्मृति है कि मैं शरीर हूं, या शरीर के संबंध की याद है, तो पवित्रता। स्मृति में पवित्रता माना मैं ही आत्मा और ये सब आत्मा है। यदि ये स्मृति में नहीं है, कहीं भी झूठा देह का संबंध बुद्धि में है, तो पहली बात स्मृति पावन नहीं है। स्मृति पावन नहीं है तो वृत्ति और दृष्टि कभी भी पावन नहीं हो सकती। ना वृत्ति पवित्र हो सकती है और ना दृष्टि पवित्र हो सकती है। फिर संकल्प में अपवित्रता रहेगी रहेगी, स्वप्न में अपवित्रता रहेगी रहेगी, सपने भी में भी अपवित्रता का स्वप्न ना आए। जागते तो अलग हो गया, सपने में भी यदि अपवित्रता का ख्याल आता है, स्वप्न में आता है, तो भी समझ लो कि अभी आपका संस्कार पवित्रता वाला नहीं बना, अभी भी संस्कार में कच्चा पन। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो, क्योंकि वो तो योग लगा नहीं सकते। आपका प्रकृति के प्रति दृष्टि वृत्ति भूल कर्म संकल्प एकदम उसे सुख देने वाला। प्रकृति के किसी भी तत्व को भी दुख देने का संकल्प नहीं आएगा। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन बोलते। आपने पांचों तत्वों को पवित्र बनने का सहयोग दिया, तो 21 जन्म तक आपके शरीर की रचना के लिए पवित्र प्रकृति के तत्व मिले। हाँ जी, अभी पावन बने। यदि प्रकृति को पावन नहीं बनाया, तो पांचों तत्व का शरीर पावन नहीं मिले। ऐसे होली हंस वा सदा पावन, सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऊंचे ऊंच पाप हर बात में श्रेष्ठ, हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची, पवित्रता भी कैसे ऊंचे से ऊंची पवित्रता साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का
नमस्कार करेंगे। आपको पवित्र मानने का मन से स्वीकार करेंगे। क्या आप वाक्य में पवित्र आत्मा कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है, आज काल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं वे महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है, महान अंतर है। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते, अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। जलाने का मतलब यह है कि उसका नाम निशान खत्म, कोई मर गया उसको जला दो, व्याप खत्म हो गया। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं, जला देते। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते, क्योंकि ना वो मरता ना जलता। ये आप आत्माओं का यादगार है, आप पवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, पहले होली जलाते हैं। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली पवित्र बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मारने वाले फिर भी जिंदा हो जाते, कहीं ना कहीं श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान भी कहां तक पहुंचे हो आप पूछ रहे हैं। आप बाबा हमारे से पूछ ले, बताओ तुम कहां तक पहुंचे हो, मरे हो कि नहीं मरे हो, जलाया कि नहीं जलाया अभी। अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में आप पवित्रता का छिपा हुआ सांस फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। जागते तो पवित्र रहे, परंतु सोए तो स्वप्न अपवित्रता के आए। तो अभी अभी ना मरे। हाँ बोल रहे की बात नहीं है,
स्वप्न में भी अपवित्रता है तो अभी मरे नहीं हो। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाए, स्वप्न भी वैसे आए अपने को आत्मा से, सबको आत्मा से। स्वप्न में भी देह के संबंध से सपने में व्यवहार किया, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, अभी मरा नहीं। आज वचन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे, कितनी बार उन्होंने वायदे किए, संकल्प भी किए, लिख लिख के पर्ची पर भी दिए, खून से भी लिख के दिया, खून से भी लिख के, चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं, एक है अपने वरदान वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी कहलाते, दोनों ही महारथी। लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वे सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के, दिल के, स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। संकल्प से बिल्कुल संतुष्ट चाहिए, कहीं भी जरा सा ऊपर से कुछ नहीं कहा, परंतु अंदर अंदर मजा नहीं आया, कोई ना कोई शिकायत है। कभी बाहर से, कभी दिल से, कभी बाहर से असंतुष्ट, कभी दिल से असंतुष्ट, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। सेवा तो कर रहे हैं, परंतु अंदर बाहर कहीं ना कहीं असंतुष्टता है। गिनती में महारथी की लाइन में आते हैं, ये बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते, परंतु तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी, एक महारथी और एक महारथी है या पुरुषार्थी है, दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी नजदीक में वायदे बहुत किए,
तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, फायदा किया बाबा ये हम ऐसे करेंगे जैसे आप कह रहे। क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है, वायदा करते हैं ना तो ध्यान रहता है, हमने बाबा से वायदा किया है हम नहीं करेंगे। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है, इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। लेकिन बीज रूप बीज दबा हुआ है ना, अभी बीज क्या है, अभी दबा हुआ है, इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से वो दबा हुआ बीज फूट जाता है। मौका मिल गया ना उसको, अंदर था थोड़ा थोड़ा परंतु बाहर जरा सा भी कोई कारण बना और वो बीज से फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। और बीज को जला दो तो फिर चाहे कैसा भी पानी दो वो फूटेगा ही। बाप दादा देख रहे थे चलाने की होली किन्होंने मनाई है, जिन्होंने अपने व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को भी जला दिया। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना, रूह यहां में सभी वायदे करते हैं ना, हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है, बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा, कोई कविता द्वारा, गीत द्वारा, कोई चित्रों द्वारा, बाप दादा देख रहे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता? तो क्या देखा अपने प्रति वा दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, इस कमजोरी को दोबारा कभी नहीं आने देंगे, दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुक्त होने के कारण संकल्प बोल वाकर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? समय तो फिर से रिपीट होना है ना,
उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संसार को जानते हुए स्वयं को हम सुरक्षित रखेंगे। उसके तो संसार ठीक है जैसे हो जाने, वो जैसा भी व्यवहार करे, परंतु मैं उसकी आदतों के प्रभाव में नहीं आऊंगा। और शुभ कामना भी रखूंगा, शुभ कामना देंगे, लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने वा सुनने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई। अच्छा बताना, अभी सुधरे हैं? अभी भी नहीं सुधरे ना, नहीं सुधरे, आदत बनी हुई दूसरे की गलतियां कमियां सुनने की देखने की। ये आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वे बार बार अटेंशन में नहीं रखते। हम यदि किसी आत्मा के अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं तो वो जल्दी से फिर से वही हो जाए। ये नहीं जानते कि ये नहीं करना है, ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वे बातें नेचुरल अटेंशन में, नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते कोई भी कम घर में, क्या होगा बाबा? तो खाली स्थान में किचड़ा या मच्छर आदि अपने आप पैदा हो जाते, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी धूल मच्छर आदि हैं, तो वे फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो हो ही जाते हैं। सभी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार वह स्थापना द्वारा भरपूर होगा, तो अशुद्ध का को स्वतः ही समाप्त कर, अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं वह ब्राह्मण जीवन में चलते हैं, चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, याद में शांति का अनुभव होता है, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते, शांति का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव नहीं करते,
सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति में के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह भी, और जो लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, सदा सोच की मूड में रहते, खुशी क्यों नहीं आती? इसका कारण है क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, पाप भी ऐसा है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है, जैसे मैं पद्मा पदम पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तक नशीन होने वाली आत्मा हूँ। कौन बैठेंगे दिल तक पर? ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं, वे नहीं है, नहीं सोचते हो, सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो दिल में चले गए, खाली में चले गए। सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो दिल में चले जाते, खाली में चले जाते, दिल माना खाली, इसलिए फिर माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं भी परिवर्तन और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रख, तो परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे, इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, संकल्प आता है ना, जो आत्मा कैसे भी वो आत्मा कैसे, जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है। ये सामने वाला स्मृति का स्वरूप, स्मृति को स्वरूप को वृत्ति को दृष्टि को
परिवर्तन में लाओ। दृष्टि भी बदले, वृत्ति भी बदले, संकल्प भी बदले, सृष्टि भी बदले। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो, इसको कहते हैं स्थान भर दिया। कोई समय खाली नहीं। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति वा दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाले हैं, लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूं। स्वयं परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन करेगा और औरों को भी परिवर्तन करेगा, दूसरों का परिवर्तन भी सामने आएगा। हर एक ये सोचो पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बन। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात आप स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बात के संग का रंग लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से सर्व आत्माओं से मंगल मिलन की शुभ कामनाएं। श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती। अच्छा समझा, ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है, तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो खाओ मौज करो। लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो, बाबा से मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ आत्माओं को सदा उमंग, सदा संघ के रंग में रंगी हुई आत्माओं को सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। नंबर एक, सदा अपने को बाप की याद की छत्रछाया में रखने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्रछाया क्या होता है? छत्र छाया, कोई छतरी हो गया जो हमारे ऊपर आ जाती है, छाया हो गया, क्या होते वो छत्र छाया? बाबा की श्री मत पर एक एक कदम चलाया। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो
यानी परंतु संकल्प में कर लिया तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा, रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। शोक वाटिका में, शोक वाटिका तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ। इस अनुभव में रहो, इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन। आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर दो, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होगा? बिंदी देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना? सारी शक्ति शक्ति कहाँ है? तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप की स्थिति में रहने वाले ऐसे अनुभव होता है। इसको ही कहते हैं पूरे रात्र। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, सदा इस नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ। आज का वरदान अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बाबू। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, कभी सभी का अटेंशन जाता है। वैसे तो जब आपकी वृत्ति अलौकिक अलौकिक वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति न्यारे और प्यारे पन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाते। स्लोगन आज का, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानती है। ओम शांति। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्ति दाता बन विश्व का पुरानी दे दुनिया के बंधनों से पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त ना हो। तो जीवन मुक्ति
जब तक मुक्त नहीं होगा तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वादा नहीं मिल पाएगा। मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है और इसका अनुभव भी करना। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रदत्त का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र को संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।